हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट आए कि मुझे ई इन्वॉइसेस करने में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो ही बना दूँ और आप लोगों को बता दूँ कि क्या क्या लिमिटेशंस है जो आपको ध्यान में रखना होगा ई इन्वॉइस बनाने से पहले। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसा आप हम मुझे प्यार देते हैं और आगे भी दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जो लिमिटेशंस है, पहला लिमिटेशन जो है आपको ध्यान में रखना है कि एंट्री ऑफ प्रोफाइल डिटेल्स इज मैंडेटरी बिफोर एंटरिंग द इनवॉइसेस। दैट मीन्स जो भी प्रोफाइल डिटेल्स है आपको पहले ही फिलअप कर लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंट्री ऑफ रिसिपिएंट मास्टर एंड प्रोडक्ट मास्टर विथ एटलीस्ट वन रिकॉर्ड इज मैंडेटरी बिफोर एंटरिंग इनवॉइसेस। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रिसिपिएंट मास्टर और प्रोडक्ट मास्टर जरूर से जरूर आपको एक ना एक बनाना ही पड़ेगा इनवॉइस एंट्री करने से पहले, नहीं तो आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर लिमिटेशन क्या है, ओनली 10 आइटम्स पर इनवॉइस कैन बी एंटर्ड यूजिंग दिस टूल। तो सिर्फ 10 आइटम ही आप एक इनवॉइस में ले सकते हो, 11 आइटम्स यानी 10 के ऊपर कोई भी आइटम नहीं ले सकते आप। फोर्थ लिमिटेशन जो है, मैक्सिमम ऑफ 10 इनवॉइसेस कैन बी केप्ट पेंडिंग फॉर IRN जनरेशन। तो ध्यान रखना है कि 10 से ज़्यादा ना हो, 10 तक ही आप रख सकते हो जो पेंडिंग हो जनरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो है, टू प्रिंट ई इनवॉइस इम्पोर्ट ऑफ IRN डिटेल्स इज मैंडेटरी। तो हमेशा ध्यान रखना है, प्रिंट अगर आप ई इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो IRN डिटेल्स मैंडेटरी है। बिना IRN डिटेल्स आप फिल किए आप इनवॉइस को प्रिंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो लिमिटेशन वो है कि GSTN एंड HSN कोड, जो HSN कोड विल नॉट बी वैलिडेट इन दिस टूल। तो जो भी HSN या SAC कोड होगा वो इस टूल से आपका वैलिडेट नहीं होगा। दैट मीन्स आपको पहले ही वेरीफाई कर लेना होगा पोर्टल में जाके कि HSN कोड या SSC कोड सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ गाइडलाइंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है। तो पहला गाइडलाइन जो है, द ई इन्वॉइस टूल कैन बी यूज टू एंटर द इन्वॉइसेस वन बाई वन यूजिंग अ यूजर फ्रेंडली फॉर्म एंड IRN कैन बी जनरेटेड। ठीक है, दूसरा जो है, फर्स्टली गो टू द सप्लायर प्रोफाइल ऑप्शन इन द मेन मेन्यू टू एंटर योर बिजनेस डिटेल्स। दिस इज अ वन टाइम एंट्री फॉर्म एंड द डिटेल एंटर हेयर विल बी यूज इन प्लेस ऑफ सप्लायर डिटेल्स वाइल प्रिपेयरिंग द इन्वॉइसेस। यू कैन ऑल्सो अपलोड योर बिजनेस लोगो विच विल बी प्रिंटेड ऑन द इन्वॉइस। तो यहाँ पर आप जाके अपना बिजनेस का लोगो भी डाल सकते हैं जो इन्वॉइस पर प्रिंट होगा। नेक्स्ट जो है, द रिसिपिएंट मास्टर कैन बी क्रिएटेड बाय एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ द रिसिपिएंट डिटेल्स। एटलीस्ट वन एंट्री इज मैंडेटरी, एक एंट्री एटलीस्ट मैंडेटरी है इन द मास्टर लिस्ट। सिमिलरली प्रोडक्ट मास्टर कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग प्रोडक्ट डिटेल्स। उसी तरह से प्रोडक्ट मास्टर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एटलीस्ट वन एंट्री इज मैंडेटरी इन द मास्टर लाइन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट गो टू द न्यू इनवॉइस एंटर द डॉक्यूमेंट डिटेल्स एंड आइटम डिटेल्स। आपको डॉक्यूमेंट डिटेल और आइटम डिटेल्स पुट करना है। उसके बाद में सेलेक्ट द ऑप्शन पेंडिंग इनवॉइसेस, क्लिक ऑन वैलिडेट टू कंप्लीट द वैलिडेशन प्रोसेस। इफ़ एनी एरर्स आर आइडेंटिफाइड करेक्ट दीज एरर्स एंड रिवैलिडेट। आपको फिर से इसको करेक्ट करके फिर से रिवैलिडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लिक टेपर जेसन, ए जेसन फाइल इज जनरेटेड इन द नेम इन द सेम डायरेक्टरी वेयर दिस टूल एग्जिस्ट। जहाँ पे ये टूल है वहीं पे एक जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है GST के पोर्टल में और वहाँ जाके आपको जो जेसन फाइल है वो अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में समझाया था कि ई इनवॉइस में जाके बल्क अपलोड करना है और वहाँ जाके जेसन फाइल डालना है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, जैसे कि आप करते हैं इम्पोर्ट क्यू आर कोड को इम्पोर्ट करके वहाँ डालिए और उसके बाद में फिर वहाँ से आप प्रिंट ले लीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ लिमिटेशंस है और कुछ गाइडलाइंस है जो मैंने आपको बताया, इसको आपको ध्यान में रखना है तो आपको ई इन्वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कभी अगर कोई अदर एरर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आपका एक्सेल फाइल में हो सकता है। आप नया वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड कीजिए, आपका जो भी VV का प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है, ई इन्वॉइस बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ कॉमेंट करके इस वीडियो में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर अपनी तरफ से आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।